बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पिंटेक्स वाला नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। ये बहुत स्टाइलिश बनेगा इस तरह से, जिस तरह आप देख रहे हैं। और आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम मेज़र करेंगे। ये हमारे सेंटर का निशान है। हम एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम 16 इंच पे पिंटेक्स लगाएंगे। हम फ्रंट की एक साइड पिंटेक्स लगाएंगे तो इसके लिए हम ये एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। पहला हमने एक इंच के फासले पे लगाया है, अब हम दूसरा आधे इंच के फासले पे लगाएंगे। इस तरह से 8 पिंटेक्स लगाएंगे। हमने 8 पिंटेक्स लगा दिए हैं। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। हमने शर्ट की कटिंग कर दी है, अब हम नेक की कटिंग करेंगे। हम कॉलर वाले नेक बनाएंगे तो इसके लिए हम शोल्डर से 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों हिस्से को इस तरह से। अब हम पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। जितने हमारी शोल्डर में सिलाई जाएगी उतना ही कटिंग करेंगे। इस तरह से अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। सेम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। वेद में भी 3 इंच लेंगे और लेंथ में भी 3 इंच लेंगे इस तरह से। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देके अब हमारी लेंथ जो है, अब हमारी नेक की जो लेंथ है वो हम 6 इंच पे रखेंगे इस तरह से। और हम थोड़ा सा इधर से नोक बनाएंगे, जैसे ब्लैकेट गला बनाते हैं उस तरह का। फिर हम लेंथ तक कटिंग करेंगे जहाँ तक हमारे पिंटेक्स हैं। हम सीधी कटिंग करेंगे। फिर से हम जितना कपड़ा अंदर पट्टी में डालेंगे उसको इस तरह से कट देंगे। अब हम ब्लैंकेट वाली पट्टी की मेज़र करेंगे। लेंथ में जहाँ पे हमने कट दिया है उससे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। एक पट्टी है हमारी, तो हमारी ये 13 इंच पे पट्टी आएगी। तो हम कटिंग करेंगे, दोनों पट्टियाँ कटिंग करेंगे। हमने ये आधे इंच की पट्टी ली है, हमने लेंथ में मेज़र के हिसाब से ली है। इसको आयरन से प्रेस करेंगे दूसरे कपड़े पे। हमने इस तरह से पट्टियाँ बना दी है। अब हमने जो कट दिया था शर्ट को इस तरह से, उस कट के हिसाब से हम इस तरह से मोड़ देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। ये हमारा पट्टी के अंदर जाएगा, इसके लिए बराबर करने के लिए इस तरह का निशान लगाएंगे। अब हम ब्लैंकेट पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले हमारी जो अंदर की साइड पट्टी जाएगी हम उसको इस तरह से अटैच करेंगे। अब हम दूसरी साइड वाली पट्टी अटैच करेंगे। हमारी जो पट्टी जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच ज़्यादा ली थी उसका नीचे वाला कपड़ा हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। जहाँ तक हमारा कट है उसके हिसाब से
इस तरह से। हम इस तरह से जहाँ तक हमारी पट्टी एक दूसरे के ऊपर सीधी आ रही है उसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से ब्लैंकेट गला बना दिया है, अब हम ऊपर से कटिंग करेंगे। अब हमारी कॉलर जितनी लगेगी, जितना हमारा मार्जिन में कपड़ा अंदर जाएगा, इस तरह से निशान लगा के हम दोनों पट्टियों को सेंटर से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने जहाँ पे निशान लगाया है तो वो कपड़ा इस तरह से हम बाहर की तरफ फोल्ड करके फिर इस कपड़े को अंदर इस तरह से करेंगे। इसको बराबर सेट करके ऊपर से सिलाई कर देंगे। हमने इस तरह से पट्टी को ऊपर से ये सिलाई कर दी है, अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। अब हम कॉलर की मेजर करेंगे कॉलर बनाने के लिए। हमारी कॉलर 8.5 इंच पे आ रही है। हमारी कॉलर की जो मेज़र है वो 8.5 है, लेकिन हम थोड़ा सा कम कटिंग करेंगे बुकरम की इस तरह से। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम 1.5 इंच के फासले पे दूसरी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस तरह से थोड़ा सा शेप देके कॉलर की वेथ जो है हमारी वो हम 1/2 इंच के फासले पे रखेंगे। हमने कॉलर की कटिंग करके दूसरे कपड़े पे अटैच करके सिलाई कर दी है इस तरह से, एक साइड सिलाई की है। अब हम छोटे छोटे कट लगा के इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फिर हम आयरन से इसको भी सेट करेंगे। हमने इस तरह से निशान लगा दिया है क्योंकि हमें ये सिलाई करने में आसानी होगी। अब हम थोड़ा सा कट देंगे जहाँ तक हमने शोल्डर की सिलाई की है। अब हम बैक साइड कॉलर को रखेंगे इस तरह से सेंटर करके। हमने कॉलर लगा दी है, अब हम कॉलर की दूसरी साइड सिलाई करेंगे।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.